जिहड़ा SYL है सतलुज यमुना लिंक है इहदे बारे च साडी पूरी ना है कि सतलुज यमुना लिंक छड्डो हुण यमुना सतलुज लिंक बारे आपां विचार करिए। पर भगवंत मान ने पंजाब यूनिवर्सिटी की भी गल की, कहते पंजाब यूनिवर्सिटी साडी यूनिवर्सिटी है। उत्तरी जोनल कौंसल की मीटिंग सी अमृतसर साहब दे विच और उत्थे अमित शाह की प्रधानगी सी गृह मंत्री की। पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान ते सारे यूटी चंडीगढ़ नॉर्थ दे सारे चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर ये सारे उत्थे पहुँचे हुए सी। और मान साहब ने उत्थे सचमुची इउं लगदा सी पहला जिवें बहुत सारे खदशे प्रगट किए गए कि मान साहब किस किस्म का केस पेश करनगे। मैं उस सारी रिपोर्ट देखी तो मैनू ठीक लग्या कि भगवंत मान ने ना सिर्फ मसले सही उठाए बल्कि यह भी किया कि उन्होंने जोरदार ढंग नाल ते तर्क नाल उठाया जिहदी बहुत जरूरत है। बस इको ही मसला जिहड़ा है वह उठाउण तों पहला ही वह मसला ही बंद करता। जिहड़ी पंजाब की किन्नी क दावेदारी केंद्र सुनदा तुसीं ये देखो, मीटिंग तो एक दिन पहला BBMB भाखड़ा बने जिहड़ी ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उहदा जिहड़ा चेयरमैन है वह ला दिता गया, मनोज त्रिपाठी नूं लाया और लाया भी 3 साल लई है। तो यह मीटिंग तो एक दिन पहला कोई भी पंजाब का बंदा जिहड़ा उहदे विच कहते नहीं जी शर्तां नहीं पूरियां करता। शर्तां दी गल तो बाद दी है, इन्होंने तो जिहड़ा स्थाई मैंबरी भी वह भी खोली। तो दूजे पासे हुण जो मौका मिल जाता है कोई जिवें सुखबीर सिंह बादल कल ही कह रहा सी कि जी ये सही तरीके ना केस पेश करन, हुण कहता जी इन्हां दी अणगहली है, ये तो जी केजरीवाल नूं लैके जहाज घुमाउंदे रहे ते साडा तां दोने मैंबरी भी गई चेयरमैनी भी गई। कुछ भी होवे मान साहब ने बाकी गल्लां ये तो नहीं मन्नी गई, बाकी गल्लां तां रखियां ने। गल तां आपदा केस रखण दा है। वह कहिंदे वी जिहड़ा SYL है सतलुज यमुना लिंक है इहदे बारे च साडी कूरी ना है, साडे कोल पाणी नहीं, असीं नहीं दे सकदे। चंडीगढ़ नूं पंजाब दे हवाले करन दी मंग पहलां भी उठदी रही, दोबारा उठाई गई, तर्क नाल उठाई गई कि किन्ने दिन लई इहनूं ड्यूटी बनाया सी, क्यों कीता सी, देश दे विच किते नहीं होया, कल्ले पंजाब नाल धक्का होया। ये गल भी सब तो ज़्यादा दरियाई पानियां दा मसला सी, उहदे विच भी मान साहब कहिंदे साडे कोल कित्थे आ पानी, किवें दे दईए असीं किसे नूं। इस तरीके नाल RDF दा मसला उठाया कि जी तुरंत जारी करो, तो मतलब सूबियां नूं होर सानूं आर्थिक शक्तियां दिओ, इस तरह की गल कीती। तो वैसे भगवंत मान ने वह गल सही ढंग नाल रखी कि सतलुज यमुना लिंक छड्डो हुण यमुना सतलुज लिंक बारे आपां विचार करिए, यह उन्होंने गल तर्क नाल कीती। देखो रावी ब्यास दे जिवें जिहड़े दरिया ने ना, यमुना भी तो पहला पंजाब जदों अनबंडिया पंजाब सी उदों पंजाब च वगदी सी ना यमुना, तो फिर वो कहिंदे भी इसलिए यमुना की पंड जिहड़ा यमुना दे पानीए की वंड उहदे च पंजाब का हिस्सा होना चाहिए, पंजाब का दरिया सी ये, तो पंजाब का कोई सहयोग नहीं करता। कहते जो पंजाब की मंग नू इस करके जड़े इस आधार से नहीं मनते कि जी पंजाब का कोई भी भूगोलिक खेत्र यमुना बेसन च नहीं आता। बिल्कुल कहते ठीक है जी थोड़ी गल, जे यही बेस बना रहे हो, जे यही आधार बना रहे हो तो हरियाणा किवें मंग कर सकता रावी ते ब्यास की, उन्हों का क्यों कि बेसन का सूबा है। तो गल तो ठीक है मान साहब की, तो सानू कहते तुसी मजबूर किया इन्हों रास्तां ते हरियाणा नू पानी देन लई, तो इस तरह की गल उन्होंने कही। पाकिस्तान जो पानी जाता ना रावी तो उजदा, वो कहते उन्हों वरत लो,
मतलब मेरा इस जात हर मसला जरा चंडीगढ़ तो लैके उन्होंने सही तरीके उठाने की कोशिश की है। बाकी तो देखो अमित शाह से उन्होंने 28 मुद्दों पर कल गल हुई है, जिद चो कोई तो ड्रोन का तो होर मुद्दे ने, तो ये बिल्कुल ठीक है, गलबात होनी चाहिए है। पर भगवंत मान ने पंजाब यूनिवर्सिटी की भी गल की, कहते पंजाब यूनिवर्सिटी साड़ी यूनिवर्सिटी है। वैसे थानू दस दिए कि हरियाणा ने खट्टर साहब ने फिर मसला उठाता, वो कहते जी साडा जड़ा है असी अंबाला पंचकूला तो साढ़े ये कॉलेज ने जमन नगर के कॉलेज यदि एफिलेशन दो, ये उन्होंने भी कहा है। तो हर एक ने आपका आपका केस पुट किया है, तो अमित शाह जिमें करते होंगे ने वो जी तुसी संवाद न हल करो जी ये करो, वो तो सारे देश ही चलता है। थोड़ा विरोध भी करना ये कीर्ति किसान यूनियन वाले 40-50 बंदे फड़ के राजा सांसिया थाने च करते जो अमित शाह चले गया उन्होंने छड़ता, ये अक्सर होंगे कोई ऐसी गल नहीं।